दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर युग में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और अब तक उनके 9 अवतार पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं, जबकि अभी 10वां अवतार बाकी है। यह अवतार है कल्कि अवतार, जिसकी चर्चा कई हजार साल पहले ही शुरू हो गई थी और इस अवतार को लेकर भी कई तरह की भविष्यवाणियां बहुत पहले से ही की जा चुकी हैं। हालांकि अभी तक भगवान कल्कि का जन्म नहीं हुआ है, इसके बावजूद उनके जन्म से लेकर कलयुग के अंत तक क्या क्या होने वाला है, ये सब हम जानते हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कब और कहां होगा कल्कि अवतार और कब होगा कलयुग का अंत। दोस्तों, कई धर्म ग्रंथों के अलावा भगवान कृष्ण ने गीता में बताया था कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी और पाप का बोलबाला होगा, तब तब वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग, जो कि सबसे श्रापित युग है, इस युग में भी जब पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु दुष्टों का संहार और इस पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए कल्कि अवतार लेकर धरती पर जन्म लेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में कल्कि अवतार से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं, जिसमें बताया गया है कि कल्कि कब अवतार लेंगे और उस समय आसपास का वातावरण कैसा होगा। भागवत पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो जैसे भगवान श्री राम और कृष्ण का जन्म अपने अपने युगों के अंत में हुआ था, उसी तरह कल्कि का जन्म भी कलयुग के अंत में ही होगा। कल्कि पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में भगवान विष्णु अपना ये अवतार लेंगे, जो कि 64 कलाओं से युक्त होगा। कुछ धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि कल्कि का जन्म किस जगह पर होगा और उनका परिवार कैसा होगा। जैसे स्कंद पुराण में बताया गया है, कल्कि भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यशा होगा, जो कि एक तपस्वी होंगे। कल्कि की माता का नाम सुमति होगा और कल्कि के 3 भाई भी होंगे, जिनका नाम सुमंत, कवि और प्राज्ञ होगा। परशुराम को उनका गुरु बताया गया है और कुछ धर्म ग्रंथों में तो कल्कि के विवाह को लेकर भी बातें लिखी गई हैं। उनकी 2 पत्नियों का वर्णन इसमें मिलता है, पहली है लक्ष्मी रूपी पद्मा और दूसरी है वैष्णवी रूपी रमा, जिनसे उनके 3 पुत्र होंगे, जिनका नाम जय विजय और मेघमाल होगा। दोस्तों, हम ये तो जानते कि कल्कि अवतार कलयुग में होगा, लेकिन वो कब जन्म लेंगे इस बारे में सही से कोई नहीं जानता। शास्त्रों की माने तो भगवान कल्कि का जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। हालांकि उनका जन्म किस साल में होगा, इसके बारे में किसी भी ग्रंथ में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इस तिथि को कल्कि जयंती उत्सव तिथि के रूप में जाना जाता है। कल्कि अवतार के बारे में ऐसी भी जानकारी मिलती है कि जब उनका जन्म होगा, तब कोई भी उनके बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि भगवान कल्कि पब्लिसिटी यानी कि समाज से दूर रहेंगे। वे जंगल या दूर दराज में रहेंगे और उनके अनुयायी भी अंडरग्राउंड रहेंगे और समय आने पर कल्कि भगवान के साथ खड़े होंगे। भगवान कल्कि के साथ 74,000 लोग जन्म लेंगे, जो कि महाभारत काल के समय के लोग होंगे, जो फिर से धरती पर आकर युद्ध लड़ेंगे। इसके अलावा 64 धार्मिक गुरु और 8 सैन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे, लेकिन ये सभी वैष्णव संप्रदाय के नहीं होंगे, बल्कि गृहस्थ होंगे। कलयुग के अंत में जब मानव मूल्यों का ह्रास हो जाएगा, तब कल्कि अवतार जन्म लेंगे। बचपन में उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में वे इस अंधकार को चीर कर पृथ्वी पर बचे लोगों को निराकार मंत्र देंगे। जो भी लोग इस घोर कलयुग में धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, वे जान ले कि चक्रधर की कल्कि अवतार होंगे। भगवान कल्कि के बचपन का नाम चक्रधर बताया गया है और ऐसा कुछ ग्रंथों में ही लिखा गया है, जबकि अन्य ग्रंथों में उनका नाम कल्कि ही लिखा हुआ है। दोस्तों, वैसे कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कल्कि अवतार का होना भी बाकी है। जब कलयुग का अंत होगा, तब कल्कि भगवान एक युद्ध की परिस्थिति पैदा करेंगे, जो कि अच्छे और बुरे लोगों के बीच होगा, यानी कि अच्छाई और बुराई के बीच। इस बीच लोगों को सब कुछ झेलना पड़ेगा और लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे। हर तरफ लोग केवल त्राहिमाम करते दिखाई देंगे। तब लोग किसी अवतार के जन्म लेने की गुहार लगाएंगे और ये वही समय होगा जब भगवान कल्कि खुद को लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर एक भयंकर युद्ध होगा और पृथ्वी की जनसंख्या आज के हिसाब से 7 से 8% ही रह जाएगी। इसमें से 33 करोड़ लोग भारत में रहेंगे और बाकी 31 करोड़ लोग पूरे विश्व में रहेंगे, यानी भारत में भी 100 करोड़ लोगों को मरना पड़ेगा। ये मरने वाले वो लोग होंगे जो धर्म के रास्ते पर नहीं है और अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हैं। जब इस विश्व की जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी, तब भगवान कल्कि इस विश्व का पुनर्निर्माण करेंगे।
जिसके बाद हजार वर्षों तक शांति बनी रहेगी। अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और रूस पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। चीन पूरी तरह से तबाह होकर कई भागों में बट जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, यानी वो एक योगी पुरुष होगा। वहीं अन्य कुछ कहानियों की बात करें तो कलयुग के अंत में कोई भी मनुष्य वेदों का पालन नहीं करेगा। विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लोग बिना विवाह के ही एक दूसरे के साथ रहेंगे और फिर आपसी अनबन के बाद एक दूसरे का वध तक कर देंगे। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे और पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करके उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करेंगे और इसे ही धर्म भी माना जाएगा। मनुष्य अधर्मी हो जाएगा। हत्याएं, लूट और अपहरण जैसी घटनाएं अपने चरम पर होंगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जब भगवान विष्णु सभी दुष्टों का विनाश करने के लिए कल्कि अवतार लेकर सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे। उस समय भगवान कल्कि के साथ में एक चमचमाती हुई तलवार होगी जिससे वे दुष्टों का विनाश करेंगे। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान कल्कि की पूजा 300 साल से होती चली आ रही है। माना जाता है भगवान कल्कि अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर अधर्म का नाश कर धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। पुराण के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का है। आपको पता होना चाहिए कि कलयुग का आरंभ तब हुआ था जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह मेष राशि पर 0 डिग्री पर आ गए थे। आधुनिक काल की गणना के अनुसार ये समय वर्ष 3102 ईसा पूर्व का था। ईसा मसीह के जन्म के बाद 2022 साल और बीत चुके हैं। कलयुग को शुरू हुए अब तक 5124 वर्ष गुजर चुके हैं। ऐसे में अगर 4,32,000 वर्षों में से 5124 वर्ष घटाए जाएं, तो 4,26,876 वर्ष अभी शेष बचते हैं। कलयुग खत्म होने में अभी बहुत लंबा समय बाकी है और तब तक दुनिया को काफी कुछ देखना बाकी है। महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। महर्षि वेदव्यास के अनुसार जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर अनाचार अत्याचार बढ़ते चले जाएंगे। राजा लोग शूद्र तुल्य होते चले जाएंगे और ब्राह्मणों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। राष्ट्र की अधीरता बढ़ेगी और वीरता संपन्नता खत्म हो जाएगी। शिष्य अपने गुरुओं का पालन नहीं करेंगे। विवाह को संस्कार नहीं माना जाएगा। लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे। हत्या, लूट की घटनाएं बढ़ती चली जाएंगे। आश्रम की पद्धतियां खत्म हो जाएंगी। उनके अनुसार भी कल्कि भगवान के गुरु भगवान परशुराम जी ही होंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं। इन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। इनके निर्देश पर कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्ति को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।